रिश्ता। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत पर रोक लगा दी है। राजस्थान की निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के उस फैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अपना फैसले में हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि सलमान इस मामले में दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान ने हमने एक SLP दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, और स्टे ऑफ कन्विक्शन जो सलमान खान के आपने उसमें रिलीफ लिया था उन्होंने हाई कोर्ट से, उसको सेट असाइड कर दिया गया। उन्होंने एक ग्राउंड जो खासकर उन्होंने साइट किया था अपने हाई कोर्ट में कि कहते किस वजह से वो सेट असाइड कराना चाहते हैं, स्टे ऑफ कन्विक्शन लेना चाहते हैं, वो यही था कि वो उनको UK जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और वीज़ा लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसी को हमने चैलेंज किया था। तो अब मौजूदा स्थिति ये है कि अब वो शायद बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, शायद क्या नहीं जा पाएंगे बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, तो ये साफ है कि सलमान खान अब विदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का जो सीधा सीधा असर है कि विदेश जाने में दिक्कतें होंगी, ऐसी है जो किसी कन्विक्टेड पर्सन को वीजा नहीं देती है, और इसी वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल जब सलमान खान को राहत दी तब ये दलील दी गई थी कि ब्रिटेन जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि ये कारण पर्याप्त नहीं है किसी के कन्विक्शन को स्टे करने के लिए, और इसलिए आज राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन सलमान खान को ये छूट दी है कि वो याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन अब सलमान खान को दूसरी दलीलें देनी होगी, यानी कि कन्विक्शन स्टे करने के लिए उनको कोर्ट के सामने इस तरह की दलीलें देनी होगी जिससे कोर्ट को लगे कि हाँ, इन्हें कन्विक्शन स्टे किया जाना चाहिए, केवल वीजा या विदेश जाने की बात नहीं चलेगी। इसका सीधा सीधा असर अब यह भी होगा कि अब सलमान खान एक बार फिर से कन्विक्टेड पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि हिरन और की सजा हुई थी जिसमें वो 2 बार जेल पर है। जी बिल्कुल मनीष, जैसा बता रहे हैं कि 5 साल की सजा निचली अदालत ने उन्हें सुनाई थी, जिस पर स्टे लगा दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि विदेश जाने के लिए सिर्फ ये स्टे लगाना सही नहीं है और इसीलिए इसे खारिज किया गया है, और अब सलमान खान को दोबारा एक तरह से अपना मामला हाई कोर्ट में अपील करने के लिए रखना होगा। मनीष झा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, इस सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग के बाद सलमान के काउंसिल्स का क्या कहना था? देखिए, फिलहाल सलमान खान को चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ये छूट मिली है कि वो दोबारा से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अब सलमान खान के वकील कोशिश करेंगे कि वो राजस्थान हाई कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर करें। हाँ, ये जरूर बात है कि अब उनकी दलीलें दूसरी देनी होगी और हाई कोर्ट को इस बात पर संतुष्ट करना होगा कि क्यों सलमान खान का कन्विक्शन स्टे किया जाए, क्योंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का भी साफ पर यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति का कन्विक्शन इतनी आसानी से स्टे नहीं किया जाए, वरना कल के दिन में जो राजनेताओं का किसी मामले में कन्विक्शन होता है तो वो भी कह सकते हैं कि चूंकि सलमान खान को कन्विक्शन पर स्टे किया गया था इसलिए उन्हें भी कन्विक्शन पर स्टे मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अब सलमान खान के सामने चुनौती ये होगी कि वो हाई कोर्ट को संतुष्ट करें किसी दूसरी दलील से कि उन्हें क्यों दोषी जो दोषी अगर कहे अदालत ने जो दोषी माना है फिलहाल उसे उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अपील फिलहाल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि सलमान इस मामले में जमानत पर है इसलिए उन्हें कोई जेल जाने वाली दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सलमान खान चूंकि दोषी के तौर पर जाने जाएंगे ऐसे में फिलहाल वो तुरंत कहीं यानी कह सकते हैं कि कुछ हद तक उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। मनीष, हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बताएं कि ये पूरा मामला क्या था। देखिए, दरअसल 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सलमान खान अपनी टीम के साथ जोधपुर आए थे उस समय सलमान खान पर यह आरोप था कि सलमान खान ने 2 काले हिरन और 1 चिंकारा का शिकार किया था, और इस मामले में 2007 में जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान खान इस मामले में 2 बार जेल भी जा चुके हैं, फिलहाल वो जमानत पर हैं, लेकिन 2007 के इस फैसले को सलमान खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में सलमान खान की अपील पेंडिंग है,
लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने सलमान खान के कन्विक्शन को स्टे कर दिया था, क्योंकि सलमान खान की दलील ये थी कि 2013 में उसे ब्रिटेन जाना था और ब्रिटेन का नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो 4 साल या उससे अधिक की सजा पाया हो तो उसे वीजा नहीं मिल सकता है। इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को राहत दी थी। उस फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और सलमान खान को कहा कि वो दोबारा दूसरी दलीलों के साथ हाईकोर्ट जाए। जी बिल्कुल मनीष, इसके साथ ही साथ जो 5 साल की सजा निचली अदालत ने सुनाई है उसको लेकर भी एक तरह से हाईकोर्ट में उनके काउंसिल्स ने अपील दायर की है, तो ये दोनों मामले अब हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस चलेंगे? जी हाँ बिल्कुल। देखिए 2007 में जो निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी उस फैसले के खिलाफ सलमान खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में उस मामले में अपील पेंडिंग है, हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए सलमान खान के कन्विक्शन को स्टे कर दिया था ताकि सलमान खान किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ब्रिटेन जा सके। ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक अगर व्यक्ति 4 साल या उससे अधिक के लिए कन्विक्टेड है तो उसे वीजा नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉजिक को अपर्याप्त माना और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि वो फिल्मों की शूटिंग के लिए विदेश जाना चाहता है इसलिए उसका कन्विक्शन स्टे किया जाए, ये कानून का मजाक होगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और राजस्थान हाईकोर्ट से कहा है कि वो दोबारा एक बार फिर से इस पर विचार करे। सलमान खान अब दूसरी बार हाईकोर्ट में ये कह सकते हैं कि उन्हें कन्विक्शन स्टे किया जाए, लेकिन उसके कारण उन्हें दूसरे बताने होंगे। जी यानी अब वो फिर से ये मांग कर सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में कि उनके कन्विक्शन को स्टे किया जाए, लेकिन उसके कारण कुछ और देने होंगे। आप इस मामले को शुरू से कवर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई इस मामले में कोई रास्ता है आगे? देखिए दरअसल अगर देखा जाए तो अभी तक जो भारतीय न्यायपालिका का सवाल रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी अदालत से दोषी ठहराया जाता है तो ऊपरी अदालत जमानत भले ही दे देती है लेकिन कन्विक्शन पर स्टे नहीं करती है। यही वजह है कि लालू यादव या दूसरे और लोग जिनके कन्विक्शन स्टे नहीं हुए वो आज चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अगर पिछले कुछ सालों का उदाहरण देखें तो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 साल की सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ वे जाकर उनका कन्विक्शन स्टे किया था। तो अगर हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू अकेला एकमात्र उदाहरण है, लेकिन उसके बाद फिर किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन स्टे नहीं किया गया था। ऐसी हालत में सलमान खान को दोबारा हाईकोर्ट से राहत मिलना ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष। तो सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट से राहत मिली थी उसे खारिज करते हुए अब एक बार फिर सलमान खान के काउंसिल्स जो हैं वो इस मामले में अपील दायर करेंगे हाईकोर्ट में।